ऋषभ पंत नहीं जसप्रीत बुमराह होंगे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन। 16 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और यहां पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि वाइस कैप्टन के तौर पर ऋषभ पंत नजर आ सकते हैं। एक्स क्रिकेटर्स की बात की जाए तो चाहे दानिश कनेरिया हो या फिर आकाश चोपड़ा, सभी का ये मानना था कि ऋषभ पंत जो है वो टेस्ट क्रिकेट में वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आ सकते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में टेस्ट में कैप्टनसी की है और इसके अलावा आयरलैंड के खिलाफ भी वो टीम इंडिया को लीड कर चुके हैं। मुंबई इंडियंस का पहला रिटेंशन हो सकते हैं रोहित शर्मा। 18 करोड़ रुपए में खेलते हुए नजर आ सकते हैं 2025 में आईपीएल में और मुंबई इंडियंस के साथ। और आप ये भी जान लीजिए कि एक खबर के अनुसार जो है सूर्य कुमार यादव 2025 आईपीएल में मुंबई इंडियंस को लीड यानी उसकी कैप्टनसी करते हुए नजर आ सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर रोहित शर्मा रिटेंशन लिस्ट में सबसे पहले है तो और कौन से प्लेयर ऐसे हो सकते हैं जिनको रिटेन करेगी एमआई। मैराथन में चल रहे विराट कोहली को बैक कराए गौतम गंभीर, जो टीम इंडिया के कोच हैं। 43वां अपना बर्थडे मना रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सी माई थॉट्स अबाउट विराट हैव ऑलवेज बीन क्लियर, ही इज अ वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर, ही हैज परफॉर्म्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ही इज हंग्री एज व्हेन ही मेड हिज डेब्यूट। अगर विराट की बात करी जाए तो 11 मैच उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, 866 रन बनाए हैं, 45 का एवरेज है और इसमें 3 सेंचुरी शामिल है। पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के टेस्ट स्क्वाड से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद इंटरनेट पे मिक्स्ड रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं माइकल वॉन की तो उनका कहना है सो पाकिस्तान हैव नॉट वॉन इन अ वाइल्ड, गो 1-0 डाउन इन द सीरीज एंड डिसाइड टू ड्रॉप द बेस्ट प्लेयर विच इज बाबर आजम, एब्सोल्युटली स्टूपिड डिसीजन अनलेस ही हैज आस्क्ड फॉर अ ब्रेक। अब मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड जो है पाकिस्तान के खिलाफ 15 अक्टूबर से सेकंड टेस्ट में खेलती हुई नजर आएगी। मुल्तान का ही ये ग्राउंड होगा और वही सेम पिच होगी जहां पे बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं इंग्लैंड। क्रिकबस की रिपोर्ट की अगर बात करी जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और रोहित शर्मा दोनों की टीमें आमने सामने जल्दी नजर आएंगी। अब इंडिया जो है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तैयारी कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि इंट्रा स्क्वाड गेम होगा और ये ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी और यहाँ पर कुछ मैचेस खेलती हुई नजर आने वाली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में मयंक यादव और नितिश रेड्डी का इंक्लूजन हो चुका है ट्रेवलिंग रिजर्व में, जिसको लेके आकाश चोपड़ा का कहना है दे आर गोइंग faster than the Vande Bharat Express after COVID. This is the first time you have picked 4 travelling reserves. It includes Prasidh Krishna, Mayank Yadav, Harshit Rana and Nitish Kumar Reddy. The 4 travelling reserves show that the preparation for Border Gavaskar Trophy has started. IPL 2025 से पहले BCCI ने कुछ नए रूल अप्लाई करे थे और रूल्स में ये लिखा गया था कि आप अगर ऑक्शन के बाद अपना नाम वापस ले लेते हैं तो फिर आपको जो है वो बैन कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर पैट कमिंस जो है वो बातचीत करते हुए नजर आए। उनका कहना है द रूल्स हैव चेंज्ड बट आई डोंट नो वेदर दैट वुड हैव इम्पैक्टेड मी इन द पास्ट, आई हैव नेवर पुल्ड आउट आफ्टर बीइंग बॉट, हाउएवर देयर इज वन मोर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड रिगार्डिंग द IPL, टेस्ट क्रिकेट इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड द वर्ल्ड कप आर राइट अप देयर, I think you need to work out what makes sense around that. Babar Azam versus Virat Kohli, ये comparisons जो हैं ये baseless है, ऐसा कहना है Brad Hawk का। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही player को आपस में compare करना कहीं ना कहीं बेवकूफी वाली बात हो जाती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो second winning percentage जो है कोहली के drought में रही थी, वही अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की तो second worst winning percentage जो है वो बाबर के हार्ड डिसीजंस में होती हुई नजर आई। और ये रिएक्शन सामने तब आया जब फकर जमान ने बाबर आजम को लेके कहा इट इज कंसर्निंग टू हियर सजेशंस अबाउट ड्रॉपिंग बाबर आजम, इट डिड बेंच विराट कोहली ड्यूरिंग हिज रफ स्ट्रेच बिटवीन 2022 एंड 2023। ऑस्कर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है, कैमरून ग्रीम जो इंजर्ड बताए जा रहे थे फिलहाल उनका नाम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर आपको नजर आएगा। उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी और इसी सर्जरी की वजह से अगले 6 महीने वो किसी भी तरह का क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा झटका। BCCI सेक्रेटरी जय शाह ने विश किया है गौतम गंभीर को हैप्पी बर्थडे। अपने सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा हैप्पी बर्थडे टू आवर हेड कोच गौतम गंभीर, हियर्स टू अनदर ईयर ऑफ शेपिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, विशिंग यू सक्सेस एंड हैप्पीनेस टुडे एंड ऑलवेज। तो ये थी क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी हुई टॉप 10 खबरें। आप ऐसी खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें।